नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हमारे साथ एक भैया हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शंकर सिंह है। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? और मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिले का रहने वाला हूँ, उजियार बरौली गाँव में मेरा उजियार। अच्छा। ठीक है, आपके बारे में हमने बहुत सुना है बॉडी बिल्डिंग के तहत, तो आपकी इसमें अचीवमेंट क्या है? मैंने मिस्टर बिहार, मिस्टर यूपी के बहुत सारे टाइटल, फिर मैंने मिस्टर इंडिया भी सिल्वर मेडलिस्ट पावर लिफ्टिंग में जीता है, और मैं रेसलिंग भी किया हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ मैंने बहुत सारे टाइटल जीते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो कौन कौन से आपने जिसे टाइटल जीता है? मिस्टर बिहार का, मिस्टर यूपी का और मिस्टर इंडिया का सिल्वर मेडलिस्ट। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग मैं दोनों ही जर्नी अपना स्टार्ट किया था आज से लगभग कम से कम 10 साल पहले, तो मुझे जिम करते हुए काफ़ी समय हो गया। और मेरी जर्नी कुछ बहुत ही अजीब, अगर आपको मोटिवेशन मिलेगी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं शुरुआती दौर पर जो है स्पोर्ट्स से हमेशा जुड़ा था, मैंने स्टेट लेवल तक ले क्रिकेट भी खेला है, बॉलर था मैं स्कूल के लेवल से। फिर उसके बाद मैंने शुरुआत की, उसके बाद मेरा जो है जैसे उम्र बढ़ती है वैसे लोगों की दिलचस्पी भी अलग अलग होती रहती है, उसी तरह से आगे चल के मेरी रेसलिंग में रुचि हो गई। रेसलिंग के होते होते एक लड़का था मेरा दोस्त, उसके देखकर मुझे बॉडी बनाने का शौक हो गया। अच्छा, तो उससे मैंने जिम सीखा। उस लड़के का नाम सतेंद्र था, ठीक है, तो दोस्त था मेरा, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैं बॉडी बनाना शुरू कर दिया। बॉडी बनाते बनाते कभी वो मेरा जुनून बन गया मुझे पता नहीं चला, और इतना उसमें मैं पागलपंती हो गया कि कोई भी जिम में नहीं जाता था, मैं जाता था। अपने घर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चल के जाता था पैदल। हाँ, उस समय साइकिल भी नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी सभी लोग मेरे साथ, बहुत सारे लोग गए जिम करने लेकिन सब लोग छोड़ दिए, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ा। तब मैं जैसे कि शुरुआत में जो है पैसे नहीं होते थे, तो स्कूल पढ़ाना फिर ट्यूशन पढ़ाना, धीरे धीरे करते 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 जो है मैं पैसे घर पर बहुत कम देता था। ऐसे फैमिली को देखना जरूरी था, क्योंकि मेरे पापा हमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, और मेरी मम्मी और मेरे पापा, बस हम दो लोग हैं, और मेरे भैया भी हैं, मेरे भाभी भी हैं, और उनके भी दो बच्चे हैं। तो धीरे धीरे घर पे भी कुछ पैसे देना है, क्योंकि मैं, आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली है कि आपको घर को भी संभालना पड़ेगा, और अपनी भी जो है अपना जो पैसन है उसे भी देखना पड़ेगा। तो साथ में मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरुआत जारी रखा और अपने घर को भी थोड़ा थोड़ा चलाया करके। लेकिन आपको पता है कि जो बॉडी बिल्डिंग है ये दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है, सबसे महंगी गेम है। अब ये गेम इतनी महंगी है कि आपको अगर इस गेम में, अगर आपको नेशनल लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल तक या ओलंपिया लेवल तक जाना है जी, तो इसमें पैसे आपको बॉडी पे खर्चे करने पड़ते हैं जी। डाइट में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि प्रोटीन के आप चार्जेस देख लोगे बढ़िया प्रोटीन के, तो आपको कम से कम मिल जाएगा 6,000-8,000 प्रोटीन है। फिर उसके बाद आपका एक्स्ट्रा जो है मील्स जो होते हैं, जैसे चिकन हो गया, एग्स हो गया, बाकी सब डिफरेंट टाइप के डाइट होते हैं, वो सब हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें का मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अगर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो पैसे की बड़ी दिक्कत होती है जी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मेरे कोच भी थे जो कि रंजीत सिंह नाम है उनका। अच्छा, हाँ, बक्सर के ही रहने वाले हूँ। अच्छा, और मैं उनको बहुत मानता हूँ। बाकी मैंने कोचिंग तो कहीं से ली ही नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने से सीखा, यूट्यूब पे देखना सीखना, बड़े बड़े मुकेश गहलोत जी हैं उनके अंडर में भी मैंने ट्रेनिंग की थी, तो उनसे भी कुछ सीखना। फिर उसके बाद वो भारत के नंबर 1 कोच हैं मुकेश गहलोत, आप नाम सुने होंगे, इंस्टा भी देख सकते हैं उसके जी, जी, जी। तो उनके भी, उनसे मैं कुछ सीखना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करना तो जारी रखा। फिर उसके बाद मैंने, एक मेरे मित्र थे उन्होंने कहा कि जाओ तुम मिस्टर बिहार खेलो जी। फिर मैंने मिस्टर बिहार खेला और पहली ही बार में मेरा जो है सिल्वर मेडल आ गया। सिल्वर मेडल, हाँ, अच्छा। और सिल्वर मेडल आने के बाद फिर मैंने, और मैंने पावर लिफ्टिंग में तो मैंने अनलिमिटेड जीता है मिस्टर पूर्वांचल में। अब तक आपने कितना मतलब मेडल? कम से कम 6 टाइम मैंने पावर लिफ्टिंग जीता है पूर्वांचल। अच्छा, जो कि सबके लिए इम्पॉसिबल बात है जी, क्योंकि इतने बड़े टाइटल जीतना बड़ी मुश्किल बात होती है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर मैं नेचुरल था। बाद में लोग बार बार पूछते रहते हैं मुझसे कि एस्ट्रॉयड आपने लिया कि नहीं लिया, इंजेक्शन वगैरह लिया कि नहीं लिया। मैंने इंजेक्शन वगैरह लेना चालू किया, लेकिन कब, जब मैं काफ़ी लेवल के बाद गया तब। क्योंकि कभी भी आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किसी को भी बताता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि आप शुरुआती में प्रोटीन या एस्ट्रॉयड के बारे में कभी मत सोचिए, नहीं तो आपकी लाइफ जो है आगे चल ख़राब हो जाएगी। क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आज नहीं तो कल डेफिनेटली हैं। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको साइड इफेक्ट्स होगा ही होगा एस्ट्रॉयड लेने से। हाँ, डेफिनेटली होगा। हाँ, हमें नहीं हुआ, क्योंकि एक अच्छे ट्रेनर के आप अगर गाइडेंस में करोगे तब तो आप बच सकते हो।
क्योंकि उसको पता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना, कितना डोज चलाना है, हाँ कितना डोज चलाना है, सबको ये नॉलेज नहीं होता है। लोग यूट्यूब सर्च किए अपना लेना चालू कर दिए, उनको जानकारी हो गया कि ये चीज ये दवा लेना है, हाँ, बस उनका स्टार्ट हो गया ये चीजें, जबकि गाइड ट्रेनर के गाइडेंस में ये सब भी। बॉडी बिल्डिंग करना है तो आपको एक ट्रेनर चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक टीचर आपको एक गुरु आपको चाहिए डेफिनेटली, तभी आप सफल हो पाओगे डेफिनेटली, वरना आप सफल नहीं हो पाओगे। तो उसके बाद मैंने मिस्टर इंडिया भी खेला, तो सिल्वर मेडल उसमें भी जीता। बहुत सारे मेरे जो हैं चैनल पर हैं, मैंने वीडियो अपलोड भी किया है, ठीक है, और मैंने इंस्टा पे भी अपलोड किया है कुछ। मेरा चैनल का नाम है 3S फिटनेस, 3S फिटनेस। अच्छा सर, ठीक है, आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं, इनके इंस्टा आईडी भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है सिंह शंकर 123, हाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, तो ये मेरी इंस्टा आईडी है। बाकी जो है अभी भी जर्नी जारी है। इसके बाद आपकी क्या अचीवमेंट रहेगी, मतलब आगे आप क्या करना चाहेंगे? मेरी पहले तो ये चीज़ जानना जरूरी है दर्शकों के लिए कि मेरी ये चीज़ ये दशा ऐसे हुई कैसे। जी जी, तो मैं एक बार मिस्टर इंडिया की तैयारी कर रहा था बॉडी बिल्डिंग की, तो मैं लेग्स नहीं मारता था, ठीक है, तो लेग्स मैंने मारना चालू किया, तो मेरा एक बाइक से मैं हैमस्ट्रिंग मार रहा था, ठीक है, तो हैमस्ट्रिंग मारते मारते मेरे एक बाइक से क्या होगा कि यहाँ पर सूजन हो गया है, ठीक है, तो जब मैं देखा कि मैं मुझे लगा कि सर लगता है फूल गया होगा, सूजन हो गया, फिर मैंने घर पर गया तो उसको सेक दिया, बस वो गोल हो गया एकदम। बाद में मैंने चेक करा तो पता चला ये तो हर्निया है। अच्छा, और सर्जरी मैंने करवाया तो सर्जरी फट गई जी, एक सर्जरी फट गई, फिर दोबारा करना पड़ा। अब आपको पता है या सभी दर्शकों को पता है कि अगर आपकी सर्जरी हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, तो बॉडी कितनी टिकना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, और अभी भी मेरे पास टाइटल है, और मैं एक बार फिर से मिस्टर इंडिया की तैयारी करूंगा डेफिनेटली। जी जी जी, और आने वाले समय में आप जरूर मुझे देखेंगे मिस्टर इंडिया का टाइटल जीतते हुए, आपको इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है। आपको हमारी तरफ से और हमारी चैनल के दर्शकों की तरफ से इस चीज़ की शुभकामनाएं है, अग्रिम शुभकामनाएं है कि आप मिस्टर इंडिया जीते, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपकी क्या अचीवमेंट रहेगी, आपके आगे क्या करना चाहेंगे, इसके बारे में आप बताइए। आगे देखिए, जो भी मैंने अभी तक किया है, ठीक है, उसके बाद मैं हार नहीं माना हूँ, और इतनी बार मैंने गिरने के बाद भी एक बार पुनः प्रयास करूँगा। और सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कितने भी ज़िंदगी में कितने भी हताश हो जाइए, या आप कितने भी आप गिर जाइए, कितनी भी समस्या आए, आप कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जी जी, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो आपको सहारा मिल जाएगा, लेकिन आप एक बार अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करिए, डेफिनेटली कोई ना कोई आपको हेल्प कर ही देगा, ठीक है। तो आज भी मैं काम करता रहता हूँ, कहीं भी जाता रहता हूँ, बाउंसर में काम करता रहता हूँ। आपको किसने मदद किया और इस रेसलिंग में जाने के लिए, ठीक है, और इसको किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा, हर एक आगे अगर आप किसी भी मुकाम पे हो जी, तो सबसे बड़ा श्रेय तो अपने माता पिता को जाता है जी। दूसरी मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प, मैंने पहले बताया आपको वीडियो में कि मेरी दीदी जो बड़ी वाली दीदी है वो मुझे बहुत हेल्प की है, ठीक है, उनका नाम अनीता सिंह है, ठीक है। तो उसके बाद मैं घूम रहा था, कोई भी काम नहीं था मेरे पास, उसके बाद मेरे एक दोस्त था अनीश चौधरी उसका नाम था, उसने मुझे बताया अभी मैंने, तो उसने मुझे मुलाकात कराया, एक आरा का बहुत मशहूर बाउंसर ग्रुप है जिसका नाम रुद्रा बाउंसर ग्रुप है, हाँ, तो उन्होंने उनके जो मुखिया है मेंबर हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, और उनका चरण तिवारी उनका नाम है, और उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया, और इस मुसीबत की घड़ी में मतलब कहने का मतलब भगवान की टाइप कर आए और मुझे हेल्प किया, और कुछ चंद पैसे जो है जो भी है उनकी दया से जो कमा रहा हूँ, और अभी चल रहा है बस, आगे भगवान अगर न चाहा, भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली है कि मैं एक बार ज़रूर मिस्टर इंडिया खेलूँगा, पक्का है, कन्फर्म है। ओके, धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे इंडिया लेवल के रेसलर, हम आपसे इंटरव्यू कराएं, और हम आपको बता दें कि हम चाहते हैं आप इनकी मदद करें, इनके यूट्यूब चैनल का और इनके इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, आपको इंस्टा यूट्यूब का चैनल का क्या नाम है? 3S फिटनेस, और जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है
सिंह शंकर 123। तो आप इतना मदद कर सकते हैं इनको फॉलो करके, सब्सक्राइब करके। और आप देख सकते हैं वहाँ पर ये सारे बिहार लेवल पर, इंडिया लेवल पर जो भी रेसलिंग करते हैं उसकी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और वहाँ पर ये भी सजेस्ट करते हैं कि कैसे बॉडी बनाया जाता है। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया आपको यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा। एक बार आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, सारी वीडियो फुटेज पड़ी हुई है। तो अब यहीं पर ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को, और हम शुभकामनाएँ देते हैं कि आप इंडिया मिस्टर इंडिया जीते। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और प्लीज़ 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 आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। मेरी जो है आप लोगों से विनम्र जो है विनती करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट।